दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बॉडी डिटॉक्स करने का एक ऐसा आयुर्वेदिक तरीका जिससे आप अपनी बॉडी को मात्र 10 मिनट में डिटॉक्स कर सकते हैं। ये एक सिंपल और साधारण और असरदार टेक्निक है जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में वर्णित है, जिसका प्रयोग बॉडी को डिटॉक्स और अंदर से क्लीन करने के लिए प्राचीन समय से होता आ रहा है। और कमाल की बात तो ये है, जिस आयुर्वेदिक तरीके को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस तरीके को वेस्टर्न कल्चर के लोग, वेस्टर्न कंट्री के लोग फॉलो कर रहे हैं और हम इस चीज को भूलते जा रहे हैं। और जैसा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, उस तरह से अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको 150 से ज्यादा रोग कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर रोग, जितने भी बीमारियां होती हैं, वो आपके पेट की वजह से ही होते हैं, आपके स्टोमक, आपके डाइजेशन की वजह से ही जन्म लेती हैं। अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करते हो तो उसके भी अपने आप में बहुत सारे नुकसान है, जैसे कि फोड़े फुंसी होना, शरीर में फैट का ज्यादा इकट्ठा होना, कब्ज, गैस, एसिडिटी, ऐसी बीमारियां ज्यादातर बनती रहती है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हो। तो इन्हीं सब नुकसानों को दूर करने के लिए आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। बॉडी को डिटॉक्स करने से पहले ये जान लो कि आपको बॉडी को डिटॉक्स करना क्यों जरूरी है। भाई देखो, सबसे पहले तो पॉल्यूशन, ये हमारे देश में, हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और दूसरे नंबर पर गलत खान पान, जैसे कि जंक फूड, फास्ट फूड, ज्यादा तला भुना, पैकेज फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मजबूर करती हैं। अब चलो मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, जो आपने एक साल पहले सैंडविच या कोई भी मैदे की चीज खाई होगी ना, वो आज भी आपके हाथों में मौजूद होगी, क्योंकि ये सभी चीजें जो आप खाते हो, फास्ट फूड, तला भुना, जो बेकार चीजें होती है बाहर की, ये सब चीजें आप खाते हो तो ये आपके आंतों में मौजूद विल्ली में जाकर चिपक जाती है। अब विली क्या होता है वो समझो, हमारी आंतों में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे फूड से एब्जॉर्प्शन करती है, यानी कि फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को हमारे खून में मिलाने का काम करती है। अब जब आप ये बाहर का कबाड़ खाते हो, जंक फूड खाते हो, तो ये आपके विली में जाकर चिपक जाता है, जिसके नुकसान तो भाई आपको पता ही है। चलो अब मैंने आपको कुछ ज्यादा ही समझा दिया, सीधा टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला है गंडोष क्रिया। अब ये क्या है इसे समझो, आपको कोई भी तेल लेना है, ठीक है, आप नारियल का तेल ले सकते हो, तिल का तेल ले सकते हो, सरसों का तेल ले सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा नारियल का तेल। आप नारियल का तेल लो और उसे मुंह में भर लो और उसकी आपको कुल्ला करनी है। आपको तेल को मुंह में लेकर कुल्ला करना है जिस तरह आप पानी का करते हो, इससे क्या होगा वो समझो। जब भी आप ऑयल पुलिंग यानी कि गंडोष क्रिया करते हो तो क्या होता है, तेल एक मैग्नेट की तरह काम करता है, आपके मुंह में से जितने भी बैक्टीरिया, जितनी भी बेकार चीजें हैं, उनको खींच लेता है, अपने अंदर मिला लेता है, और जब आप उसे थूक देते हो तो वो सारी चीजें, सारे बैक्टीरिया, सारी गंदगी आपके मुंह से बाहर निकल जाती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जीभ का, क्योंकि जीभ आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स से वीन्स के थ्रू जुड़ी हुई हो रहती है। आयुर्वेद के अनुसार जब भी आप गंडोष क्रिया या ऑयल पुलिंग करते हो तो ये आपके पूरे शरीर के मैल को बाहर निकाल फेंकता है, और जितनी देर तक आप करते हो उतना ज्यादा आपके शरीर से मैल निकल रहा होता है। ये मैं नहीं कह रहा, आयुर्वेद ग्रंथ कह रहा है। लेकिन शुरुआत में आप ज्यादा देर तक मत करो, 5 मिनट के लिए बहुत है, उसके बाद आप कुछ सेकंड बढ़ा सकते हो और इसे 10 से 20 मिनट तक ले जा सकते हो। ऑयल पुलिंग करने के फायदे, जैसा आपको पता है, ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपकी बॉडी में जो अंदर गंदगी है उसको बाहर निकालेगा। जब आप इसे 10 से 15 दिन करोगे तो आप पाएंगे कि आपके एक्ने जो है वो खत्म हो रहे हैं, आपकी जो स्किन है वो ग्लो कर रही है, और जो आपके अंदर कोई भी जो थोड़ी बड़ी बीमारी है, छोटी मोटी, वो भी दूर हो रही है। आप इसे करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। अब इसे करने का बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले सुबह उठो, पानी पियो, फ्रेश होने के बाद आपको ये गंडोष क्रिया करनी होती है। अपने आधे मुंह को किसी भी तेल से भर लेना है और फिर कुल्ला करना है, 5, 10, 15, 20, 25 जितने मिनट तक आप कर सकते हो, शुरुआत में 5 मिनट करो बहुत है। अब कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी है जिससे आपकी बॉडी जो है ज्यादातर डिटॉक्स ही रहेगी। सबसे पहला, खाना खाने का सही तरीका। अगर आपने जान लिया कि भोजन करने का सही तरीका क्या है तो आपको बॉडी डिटॉक्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं आपको कुछ भोजन करने का तरीका बता देता हूँ, सही तरीका। सबसे पहले आलती पालती मारकर जमीन पर बैठकर हमेशा खाना खाओ, एक निवाले को 32 बार चबाकर खाओ। खाना खाने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक पानी बिल्कुल भी मत पियो, और जितना हो सके पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करो, बॉडी वेट का 10% पानी, ठीक है। और डेली एक्सरसाइज करो। ये थे कुछ तरीके जिनसे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो, एक आयुर्वेदिक तरीका बताया और कुछ टिप्स दी, ठीक है। तो ये अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी जो है डिटॉक्स होगी। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो से, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।